नाजरीन बहुत ही मुश्किल काम है, वाढ़ी सौखी नहीं है। वाढ़ी कर लगे मैं पता लगता कि वाढ़ी है, एक मुठ वाढ़ी है तो मैंने पता लग गया कि बहुत मुश्किल काम है। तो मेहनत कश मजदूर बंदे ने कोशिश करते कि जो चार पाँच मन दाने आप ही कर लिए, बच्चे बुच्चे ला के अपनी वाढ़ी कर लेंगे। जी नाजरीन इस वक्त साडा एक दोस्त किसान मौजूद है, अपनी घर की प्याली है, किन्नी इन्होंने मेहनत करनी भी पुछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमीन अपनी है? नहीं जमीन नहीं, अपनी कणक अपनी है, ठेके ते लई है। ठेके ते लई हुई है। ठेका किन्ना है? ठेका है 50,000। 50,000 रुपया ठेका। तो किन्ना खर्चा टोटल आया इस गंदम से? 30-35,000 खर्चा आ जाता साल, जो 6 महीने तक पानी लाना ये वो सारे सिस्टम। अच्छा, ये तुम्हें उम्मीद है कि कोई 40-50 मार दाने निकल आएंगे? हाँ जी जी, वो निकल आएंगे, पर तकरीबन मेहनत मेहनत पूरी हो जाती है साड़ी। इन्नी धुप के वाढ़ी करनी कोई सौखा काम नहीं है। हाँ जी, बहुत मेहनत है पिछले। नाजरीन देखो, असं कहें जी 2200 निकलिया रेट, वो किसान जिमीदार पुछ देखो कि 2200 रेट थोड़ा जहा बहुता, जिन्हें लैने वो वास्ते बहुता है। 10,000 रुपये का DAP की गुत्थी, उस तो अलावा खुद मेहनत करनी, रात उठ के पानी लाना, फिर वहाइया, बहुत मुश्किल काम आ। इस वक्त साढ़े नाल एक किसान जिमीदार मौजूद है, उन्हें पुछते हैं कि किस तरह ज़्यादा पैदावार लगती है और ठेका की जा रहा है इस टाइम और कणक की वढ़ाई की जा रही है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी तुहाडा नाम जी? बाबा सलीम जी। बाबा सलीम साहब, ये पहले दसो कि ठेका किन्ना पैली दा? ठेका जी इतने 60,000-70,000 माड़ी का, जो पानी घट आता वह देंगे जी 60,000, जो कोई पानी 2 मिनट वध्या कहना जी 80 लैना 70 लैना। अच्छा, तो तुम ये पहले दसो कि बेहतर पैदावार लैन वास्ते की करते जी, कि खाद पाते जी और कि बीज ज़्यादा इस्तेमाल करते जी? बीज 100 बीज निकले ने, पैसे नहीं पूरे होंगे तो पाना की है, तो क्ढना की है। खाद कि पाते जी? खाद यूरिया, बबर शेर, दूसरी किरना, DIP। अच्छा, तुम हम मुतमैन जी कि ऐसी फसल इस टाइम कि पैदावार जी पूरी तुम मिलेगी? पाई है, हवाइया ज़्यादा ने, जो टूल्स पिछों खाला तोड़ लेंगे ने पानी वाले, जोड़े तगड़े बंदे है, पानी पहुँचता ही टूल 900-800 घंटा दसन दे पानी, ठीक है जी। खाद जी वह भी ब्लैक लभन रही है, हवाई बहुत आ। जमींदार अगों वढ़ाई वाला कह रहा भी सू 6 मन दो, असं कहने 4 मन च वढ़ दौ। हूँ कि दिती जी? ये भाई 5 मन जी दिती है। अच्छा, 5 मन। नाजरीन गंदम की कटाई तो बाद गठा बन के तो थ्रैशर तक ले जाया जाता है, बड़ी मेहनत और बड़ी मेहनत तो बाद जाके गंदम तैयार होंगी है। नाजरीन इंतजार दियां घड़ियां मुक गईयां, हुण तुहानू असीं उह सारा कुछ दिखावांगे जो तुसीं देखना चाहते हैं। देखांगे कि किस तरह इहदे विच फले लांदे ने और किस तरह तूड़ी निकलती आ और किस तरह इहदे दाने जिहड़े निकलते हैं, दाने निकलण तों बाद किस तरह इहदी पैकिंग हुंदी आ, उह सब कुछ तुहानू दिखाया जाएगा। नाजरीन है वह मेन जगह है जिथे गठा लिया के इतने फले लाए जाते हैं, थ्रैशर में जो फले लगते हैं तो फिर अगे गंदम का सिलसिला शुरू होता है। और नाजरीन तुम दिखाते हैं वो सारा कुछ जो तुम देखना चाहते हैं, रहना हूँ साढ़े नाल नाल।
नाजरीन है मेन जगह है जिथे थ्रैशर चलती पई है और इतों दाने निकलते पे ने तूड़ी लैदा निकलती पई है फले लाने भी तुम नज़र आ रहे हैं और दाने जे बोरे भरे हुए ये भी तुम नज़र आ रहे हैं और नाजरीन तुम सो सारा कुछ दिखावे जो तुम देखना चाह रहे देखो बोरे भरे हुए हैं। गंदम की कटाई तो बाद गाई होंगी है गाई होने तो बाद धड़ बनाई जाती है वो आले दुआले ट्रैक्टर के नाल चक्कर लगा के यदि अच्छे तरीके लपाई कर दी जाती है। लपाई करन तो बाद धड़ जी महफूज हो जाती है और साल भर माल मवैशियों वास्ते ये चारे का सबब बनती है। नाजरीन अज का प्रोग्राम तुहानू किस तरह का लग्या सानू तुहाडे फीडबैक का इंतजार रहेगा। कैमरामैन कामरान जावेद के साथ जावेद रहमानी 92 तेज टीवी फैसलाबाद पाकिस्तान।